दोस्तों, आज हम पफ और फ्लावर बाजू बना रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ऐसे करके एक 20 सेंटीमीटर लाइन खींचनी है। उसके बाद हमें ऐसे करके वी बनाना है। वी बना करके हमें इसमें सिलाई मारनी है। इसको अंदर से क्रॉस करके ये जो मार्जिन है, ये जो हमने बनाया है, इसको हमें पलट लेना है। क्रॉस करके हल्के हल्के कट लगा के इसको पलट लेना है। और पलट के हमें इस पर लब की सिलाई लगानी है। लब की सिलाई लगाने के बाद ये हमारा तैयार हो चुका है। अब देखिए, ये हमने बाजू ले रखी है। बाजू में हमें प्लेटें डालनी है। एक प्लेट यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ डालेंगे, दूसरी प्लेट इस साइड से पकड़ेंगे। ऐसे करके 20 सेंटर में बना के यहाँ पे एक सिलाई कर देंगे। और सेम यही प्लेट पीछे की तरफ बनी है, इसको पीछे की तरफ बना देंगे तो पफ टाइप में बन जाएगा ये। तो देखिए, हमारा 20 सेंटर है। अब इसको हमें बाजू को बिल्कुल ऐसे सेंटर में लगा के ऊपर की तरफ सिलाई कर देनी है। और इसको पीछे करते हुए हमें लपकी सिलाई मार देनी है। देखिए, ये हमारे बाजू तैयार है। अभी हमें एक चकोर कपड़ा ले रखा है, 5 इंच का है चारों तरफ से। अब इसको हम बिल्कुल हल्का सा फोल्ड करेंगे आगे से और इसको सिलाई मारेंगे। दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही सिलाई मारेंगे इसको। उसके बाद हम इसको पलट देंगे। पलट करके इसको हम चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। हमें एक पतली पट्टी बनानी है। ऐसे फोल्ड करते हुए पतली पट्टी बना लीजिए। दोनों तरफ सिलाई लगी जानी चाहिए इसकी। उसके बाद बीच में से पकड़ के ऐसे करते हुए हमें चुनरी डाल के एक फ्लावर बना लेना है। फ्लावर के इस बीच में ये पट्टी लगा देनी है। और इसको हम सुई धागे से इसको बनाने के बाद, सुई धागे से पक्का करने के बाद ये हमारा फ्लावर तैयार हो चुका है। अब इसको हम बाजू के बीचों बीच में वैसे सुई धागे से लगा देंगे। देखिए ये दोस्तों, ये हमारी बाजू तैयार हो चुकी है। दोस्तों, कैसी लगी बाजू? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा के ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए। इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहती है।